गुजरात मेडिकल टीचर एसोसिएशन द्वारा पोतानी वर्तन मांगणीओना संदर्भ में सरकार समक्ष रजूआत करवामां आवी हती। जेना संदर्भ में माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी द्वारा मारी साथे अग्र सचिव हेल्थ जयंती रवि, अग्र सचिव जीएडी कमल दयाणी जी अने नाणा विभाग ना सचिव मिलिंद सुब्रमण्य जी ने एक कमिटी बनावामां आवी हती। आ कमिटीए एमना जे प्रश्नो हता ए प्रश्नो सांभळ्या अने सांभळ्या बाद आ संदर्भमां माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीने वाकेफ करवामां आव्या, जेमां केटलाक पड़तर व्याजबी प्रश्नो हता जेमां माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए प्रवर्तमान संजोगोमां गुजरातमां आ तबीबो उत्तम प्रकारनी कोरोना वॉरियर्स तरीके कामगीरी करी रह्या छे अने पूरी संवेदना साथे एमना प्रश्नोमां संबंधित विभागोए जे हकारात्मक अभिप्राय आप्यो हतो ए पैकीना जुदा जुदा प्रश्नो अंगे संबंधित निर्णय लेवा माटे आ कमिटीए पोतानो रिपोर्ट सरकार श्रीमा सबमिट कर्यो छे। हूँ गुजरात मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन सौ डॉक्टरों ने विनंती करू छू के आ दिशा में सरकार सकारात्मक है, माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणी सकारात्मक है। जेवा संजोगों में आंदोलन कोई हथियार नो उपयोग न करे अने जे रीते कोविड में सेवा आपी रहा है ये सेवा चालू राखे। अगौ बात थी थी कि सोमवार आ अंगे अमे निर्णय करीशु, परंतु ए प्रक्रिया में जरूरी विगतों एकत्रित करवामां थोड़ो समय वधारे गयो, एटले ए रिपोर्ट सबमिट करवामां अमारी थोड़ी वार लागी छे, इतना माटे एमां विलंब थयेलो छे, परंतु बहु झड़पथी आ प्रश्ननुं निराकरण लावा माटे माननीय मुख्यमंत्रीश्रीए संबंधितोने जरूरी सूचना आपेली छे। संजोगोमां गुजरातनी अंदर सेकंड लहेरनी अंदर आपणे जोयुं छे कि जे प्रमाणे आपणे 45,000 बेडमांथी 1,00,000 करता वधारे कोरोना संक्रमित लोको माटे बेडनी व्यवस्था करी, आपणे ऑक्सिजन मार्चमां 145 मेट्रिक टन हतो एमांथी 1,150 मेट्रिक टन जेटलो ऑक्सिजन नी व्यवस्था उभी करी, परंतु आगामी दिवसोमां आ कोरोनाना संक्रमण कोईपण स्वरूपे जो वधे तो एनी आगोतरी तैयारी स्वरूपे गुजरातना तमामे तमाम मान्य सन्मान्य धारासभ्यश्रीओ पोताना मतक्षेत्रमां के पोताना जिल्लामां आवती हॉस्पिटलोमां तबीबी सुविधाओमां वधारो करी शके ते माटे माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीए धारासभ्यने मळती 1,50,000,000 ग्रांट ए आरोग्य तबीबी एनी जे जरूरी मार्गदर्शक कया साधनों लई शकाय एनी अंदर आपी शके, अने माननीय मुख्यमंत्री श्री विजयभाई रूपाणीए
પોતાની સંપૂર્ણ 1.5 કરોડની ગ્રાન્ટ આની અંદર આપી દીધી છે અને આવનારા દિવસોમાં ધારાસભ્યો પણ આમાં ગ્રાન્ટ આપશે જેના કારણે પોતાના જિલ્લાની અંદર કે પોતાના વિસ્તારની અંદર તબીબી સુવિધાઓની અંદર વધારો થશે. એટલા માટે આ પ્રવર્તમાન સંજોગોમાં યોગ્ય અને ઉત્તમ નિર્ણય છે. સતત 24 કલાક સમાચાર જોવા માટે ડાઉનલોડ કરો ઈટીવી ભારત એપ.